आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। इस प्रकृति में, इस सृष्टि में जितना भी आप देख रहे, जो जिस ताकत से ये शरीर बने, जो परमाणु अणु इन शरीरों के कारण हैं, जिनके कारण इनकी रचनाएं हुई, वो जब परमात्मा की प्राप्ति होती है, कुछ लोग सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्या अनुभव होता है, कहाँ कहाँ आत्मा शरीर के अंदर रहती है, कहाँ आत्मा का वास होता है, शरीर का कौन सा हिस्सा जागृत होता है, कौन सा सोया रहता है सुषुप्ति अवस्था में। बहुत से सवाल साधकों के मन में उठते रहते हैं, तो वो खोजने के लिए इधर उधर घूमते हैं। जब उत्तर नहीं मिलते, अपने खुद के स्वयं के ही उत्तर बना लेते हैं, क्योंकि आजकल जो हाल चला हुआ है, हम कोई भैंस ले रहे हैं, उसका दूध भी देखते हैं, सींग भी देखते हैं, उसके शरीर को भी देखते हैं, मुंह से लेकर के पूंछ तक, पैरों से लेकर के दूध तक, सब कुछ चेक कर करके देखते हैं, दो दो तीन तीन बार। कोई गाड़ी लेते हैं, एक साल तक रिसर्च करते रहते हैं, कौन सी आने वाली गाड़ी है, कौन सी अच्छी मार्केट है, किसकी मार्केट वैल्यू सेल करेंगे तब ज़्यादा मिलेगी, एवरेज कौन सी अच्छी देती है। रिश्ता करते हैं, शादी विवाह करते हैं, हर चीज़ की बारीकी से जांच करते हैं। इतनी बारीकी से इनके दादा कैसे थे, उनके दादा के पिता कैसे थे, खानदान कैसा था, शक्ल सूरत कैसी है, चरित्र कैसा है, पढ़ाई कैसी है, व्यवहार कैसा है, नेचर कैसा है, आवाज़ कैसी है, बात कैसे करते हैं, संस्कार हैं नहीं हैं, और भी बहुत चीज़ें। मुझे थोड़ा हा कम अनुभव है इनका, आपको ज़्यादा होगा, तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जब कोई भी हम कार्य करते हैं, छोटे से लेकर के बड़ा तक, चाहे हम बाज़ार से सामान लेने गए या खरीदने गए, कोई भी इस संसार के अंदर, सब लोग खरीद बेच सब करते हैं। कितना चाहे आप कोई फ्रूट ही ले रहे हो कि 2 रुपये कम कर दो, 10 कम ज़्यादा कर दो, कितना बहस करते हो आप कुछ पैसे के लिए, कुछ समय के लिए। आपको पता होता है कि ये भैंस 1 वर्ष ही रखनी है, 2 महीने रखनी है, बीच में दे देंगे। आपको पता है ये फ्रूट सिर्फ 4 दिन ही चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। आपको पता है आप वस्त्र लेने के लिए गए हैं, ये बस 1 वर्ष ही चलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चलेंगे। फिर भी आप कितना बहस करते हो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए, लेकिन गुरु आप बिना सोचे समझे बना लेते हो। ना कुछ जांच परख होती है, ना सोचना समझना होता है, ना कोई सवाल होता है,
अपना कोई गुरु बनाने का उद्देश्य भी नहीं होता है कि पड़ोस के लोगों ने गुरु बनाया है, हमारे साथ आ रहे हैं, उन्होंने इनको गुरु बना रखा है, हम भी गुरु बना लेते हैं। इस प्रकार से एक दूसरे को देख के हम गुरु बना लेते हैं। ना गुरु को कुछ पता होता है, ना शिष्यों को कुछ पता होता है, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि गुरु बनाया क्यों जाता है, किस लिए बनाया जाता है। कुछ लोग जो झाड़ा झपटा लगाते हैं उनको गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग भूत वगैरह निकालते हैं उनको गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग जिनके अंदर देवी देवताओं की शक्ति आती है उनको ये मान के कि इसमें तो हनुमान जी आ गए, अब तो ये मेरे गुरु हो गए, उनको गुरु बना लेते हैं। कुछ लोग शरीर को स्वस्थ करने वाले लोगों को गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग काम सिखाने वालों को गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग विद्वानों को गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग शास्त्रों और पुस्तकों को जानने वालों को गुरु बना लेते हैं, कुछ लोग आयु देख करके, उनकी बुद्धि देख करके, उनका चरित्र देख करके प्रभावित हो करके गुरु बना लेते हैं। वो अंदर जो खेल होता है, जो ताकत होती है भजन और शब्द और विधि, उसको ना समझ करके हम साधारण सी चीज़ों में फंस करके, जिन चीज़ों में हमें नहीं फंसना चाहिए उनमें हम फंस जाते हैं, जहां हमें तोल मोल करना चाहिए, जहां हमें शब्द की परख करनी चाहिए, वहां हम ये परख नहीं कर पाते और हम साधारण सी बातों में इतना बुरी तरह फंस जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। आजकल तो क्या चल रहा है, आजकल तो गुरु भी ख्याति देख करके बनाए जाते हैं, किसका दूर तक नाम चल रहा है, कुछ तो अलग होगा वरना इतनी भीड़ नहीं होती, तो चलो गुरु बना लेते हैं। कुछ आजकल वस्त्र देख करके गुरु बना लेते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा वस्त्र पहनता है और 5-10 सिक्योरिटी वाले साथ हैं इधर उधर और बड़ा प्रभाव है समाज में, गुरु बना लेते हैं। ये गुरु बनाना नहीं चाहिए, गुरु उसी को बनाना चाहिए जो साधना की पद्धति जानता हो, जिन्हें साधना करनी आती हो और साधना करना सिखा सकता हो, जो खुद उस परम तत्व तक पहुंच गया हो और जीव को वहां तक ले जाने का जिसके अंदर सामर्थ्य हो, उसी को गुरु बनाना चाहिए, उसी के सामने झुकना चाहिए। नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ फंसे हुए हैं, जहाँ भीड़ मची हुई है, 99.99% तक लोगों को साधना का पता ही नहीं होता कि साधना किस बीमारी का नाम है, क्या तत्व है, कैसे की जाती है, कैसे कराई जाती है,